हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन, उसका हम लोग टॉपिक आज जो डिस्कशन करेंगे उसका नाम है एसेलरेशन अर्थात त्वरण। त्वरण क्या होता है यह जानकारी प्राप्त करेंगे, त्वरण की परिभाषा पढ़ेंगे, त्वरण का मात्रक पढ़ेंगे, त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए परिभाषा की तरफ चलते हैं। क्या होती है त्वरण की परिभाषा? त्वरण की परिभाषा किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है या कोई कण ले सकते हैं, उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात चलिए एक और परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन मैं डिस्कशन कर रही हूँ, तो होता क्या है, एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। या यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर दर, ठीक है, दर की और एकांक का लगभग एक ही, इस शब्द का जो भाव है वो एक ही निकलता है। होता क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, वह जिस वेग से जाती है और उसके जहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है और जहाँ पर उसको पहुँचना है, तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है, इसी को जब हम लोग इसी को काउंट करते हैं तो उसको बोलते क्या है, दर बोलते हैं। चलिए फिर से परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात एक टाइम में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो। अच्छा, अब इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं कि त्वरण होता क्या है। माना कि कोई व्यक्ति है, ठीक, उसको ए से बी तक जाना है, कि यानी कि उसका ये पथ है, रास्ता है, उसको ये ए पॉइंट है और ये है बी, उसको ए से चलना है और बी पर पहुंचना है। जब वह ए से चलता है तो उसका वेग क्या है, वह धीरे रहता है, धीरे धीरे साइकिल चलाता है वह, और वो थोड़ी थोड़ी क्या बोलते हैं वेग क्या होता है, किस वेग से चल रहा है, तो पहले उसका वेग क्या होगा, धीरे होगा, फिर वो साइकिल चलाता है और उसका वेग क्या होगा, तेज हो जाएगा, मतलब कि बी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते उसका वेग क्या होगा, तेज हो जाएगा। अब बार बार इस शब्द की चर्चा हो रही है वेग, ठीक है, बार बार, इसके पहले मैंने वेग और चाल पे पूरा डिस्कशन, पूरा एक वीडियो बनाया था, तब भी मैं आपको एक संक्षिप्त वर्णन कर देती हूँ वेग का, कि वेग क्या होता है। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित होता है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो चलिए बात अभी हम एक एग्जांपल के अपने कर रहे थे, ये व्यक्ति है, ठीक, ए से बी तक जाना है, तो जब उसने साइकिल चलानी चालू की होगी तो उसका जो वेग है वो कम होगा और उसके बाद वह उसको बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो वो तेज वेग से पहुंच गया। जब तक बी तक पहुंच रहा है पॉइंट तक, यहाँ तक, तो उसका वेग क्या हो गया, तेज हो गया है। तो मानिए कि पहले ये यू वेग से चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर उसका यानी कि प्रारंभिक जो वेग था वह यू था, ठीक है। इसके बाद जब प्रारंभिक वेग जो यू था उससे चल रहा है, बाद में इसका वेग जो और अंतिम जहाँ पर ये पहुँचा, तो अंतिम वेग हमने माना क्या है, वी है, ठीक है, वी है। तो दो चीज़ें हमें पता चल गई, इसका प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग क्या हो गया, वी हो गया। अब हमको इसमें हुए परिवर्तन को निकालना है, अर्थात जब ये ए से चला और बी पर पहुंचा तो कितना बीच में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ इसको निकालना है, ठीक है। तो इसी जो ए से और बी तक के बीच में इसके वेग में परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बार बार मैं कह रही हूँ कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। चलिए आइए अब देखते हैं कि इसका जो हम लोग को अगर सूत्र बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे।
हम लोग देख रहे हैं कि जैसे त्वरण है, मैंने बता दिया है पहले कि त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बार बार आपको ये याद रखना है, जो त्वरण होता है ठीक है, इसको प्रदर्शित करते, क्योंकि आपको आगे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए इसको किससे प्रदर्शित करते, स्मॉल ए से। त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है, समयांतराल, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ और टी समय, समयांतराल यहाँ टी लेंगे, त्वरण हो गया ए। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग यू से टी समय में परिवर्तित होके वी हो जाता है, तो कितना है प्रारंभिक वेग यहाँ पर यू, समय कितना है टी, और परिवर्तित होके कितना हो जाता है वी, यानी कि अंतिम वेग की बात हो रही, प्रारंभिक यू, अंतिम वी, और समय लगा टी। तो सूत्र कैसे बना इसका, आइए देखते हैं। सूत्र बना त्वरण ए बराबर याद रखना है इसको, कि कितना कितना परिवर्तित हुआ, कैसे परिवर्तित हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले वेग से पहले वाले वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर हमको इसका सूत्र बनाना है तो बाद वाले वेग से हम क्या करेंगे, पहले वाले वेग को घटा देंगे। तो पहले वाला वेग था u, ठीक है, बाद वाला वेग था v, और समय कितना लगा t, ठीक, ये समय कितना लगा t, और हम लोग को निकालना क्या है a, ठीक। तो सूत्र क्या बन गया, और हमको क्या करना है, अगर सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अंतिम तक जब पहुंची आपकी जो व्यक्ति साइकिल से, यार अंतिम तक पहुंचा तो उसका वेग क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था, जहाँ से चलना चालू किया वो वेग कम था, तो बाद वाले वेग से पहले वाले वेग को घटा देंगे। तो बाद वाले वेग से हम लोग को पहले वाले वेग को घटाना है, बाद वाले वेग से पहले वाले वेग को घटा देना है, तो उसमें वेग परिवर्तन जो है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बाद वाला वेग यहाँ पे क्या था, v था, ये कह सकते हैं बाद वाला वेग v माइनस पहले वाला वेग u बटे समय कितना लगा t, ठीक है, ये आपको पता है। तो a बराबर यानी कि त्वरण बराबर v माइनस u अपॉन t, ये बन गया है इसका सूत्र। चलिए आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे ये बना है। चलिए यहाँ पर ये देखिए, त्वरण ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ये देख लीजिएगा। तो ये पूरा सूत्र भी बनाना आपको आ गया है, कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, जब वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होता है तब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग एक समान होंगे, ठीक है, और त्वरण जीरो होगा। अगर वो एक समान वेग से चला जा रहा है, कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई भी बीच में कोई भी स्पीड बढ़ती नहीं, वो एक समान वेग से चली जा रही है, तो अंतिम और प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका, एक समान होगा, और त्वरण क्या होगा उसका, जीरो होगा। जब एक वस्तु समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, वो मैंने बता दिया है आपको। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग को त्वरण का मात्रक निकालते हैं। त्वरण का मात्रक वेग और समय के मात्रकों पर निर्भर करता है, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो सूत्र क्या हुआ त्वरण का, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो यहाँ पर वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या था, सेकंड, तो आ गया इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट है त्वरण के प्रकार की बात करते हैं। तो त्वरण के प्राय त्वरण निम्न प्रकार के होते, एक एक विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के त्वरण होते हैं। चलिए पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तब वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे कोई स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का गुरुत्व के प्रभाव से त्वरण एक समान होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं असमान त्वरण की। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तब वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं।
जैसे भीड़ भाड़ बाजार में कार चलाते समय कभी गति की वृद्धि हो जाती है, कभी आप जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए, अब क्या है कि कभी स्पीड तेज हो गई, कभी आपने ब्रेक लगा दिया, तो ऐसे में कार का त्वरण क्या होगा, क्या समान होगा? नहीं, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे असमान त्वरण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण की। होता क्या है ये समझ लीजिए पहले, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण कि यदि गतिशील वस्तु के वेग में समान समय के साथ सतत वृद्धि हो रही है तो वस्तु की गति में उत्पन्न जो त्वरण होगा वह धनात्मक होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हैं? जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, जैसे ही ऐसे नीचे की ओर गिरती है तो इसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके वेग में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। इसके विपरीत यदि वस्तु के वेग में समय के साथ साथ सतत कमी हो रही है तो वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये आप बता दिया मैंने कि जब कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु के वेग में समय के साथ साथ कमी हो रही, नीचे आती रहेगी, कमी हो रही है, तो वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना है, एक पॉइंट बस आपको छोटा सा याद रखना है कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदन। मंदन का मतलब ही होता है मंद चलना, मतलब मंद स्पीड में। तो उसको जैसे मंदन का, जैसे किसी वस्तु को, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर जाएगी उसके वेग में क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। ये यहाँ से कोई भी मानो बॉल फेंक दिया आपने ऊपर की तरफ, ठीक है, और जैसे जैसे वो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, एक याद रखने की बात है, बस आपको धनात्मक त्वरण पहचान होनी चाहिए। कैसे पहचान सकते हो? माना कोई, एक और एग्जांपल से समझते हैं, माना कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी गति लगातार बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। ऑब्जेक्ट जब चल रहा है और उसकी गति बढ़ जाती है तो वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। और एक सरल शब्दों में, माना कोई कार है, अब ऋणात्मक त्वरण की बात करते हैं, माना कोई कार है, ब्रेक लगने के कारण रुक रही है बार बार, तो क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग का मान कम हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार के त्वरण को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।